राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे एक नंबर कान्हा जी की ये ड्रेस। देखिए फ्रेंड्स, ये बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने इजी तरीके से बनानी बताई है, जिससे कि जो बिगनर्स हैं वो भी अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ये ड्रेस किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक नंबर कान्हा जी की चोली बना ली है। इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाकर एक नंबर कान्हा जी की चोली बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एक नंबर कान्हा जी की चोली है। अब हम इसकी स्कर्ट बनाएंगे। स्कर्ट किस तरह से बनानी है देखिए फ्रेंड्स, चोली का हम ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मोड़े पे आ जाते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो घेरा हम मोड़े से स्टार्ट करेंगे। तो एक दो तीन, तीन चैन लेंगे, लूप लेंगे, इसी जगह पर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तीन की चैन होगी और एक डबल क्रोशिया हो गया। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हमने लूप लेनी है, फिर हम नेक्स्ट चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक, और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे दो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिर हम फोर्थ चैन के अंदर एक करेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिफ्थ चैन के अंदर देखिए फ्रेंड्स हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, और इसी जगह पर दोबारा से हम करेंगे दो डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से अब ये रो कंप्लीट करनी है, दो एक डबल क्रोशिया करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, मैं अब आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर दिया दो एक करते हुए। तो हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। तो हमें इसे किस तरह से ज्वाइन करना है, एक दो और तीन, तीसरी चैन के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे और हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। इसके लिए हम एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, इसी जगह पर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक ही चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया हो गए, लूप लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हमने लूप लेनी है, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और दो हो गए, फिर हम लूप लेंगे, फिर तीसरी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और इसी जगह पर दोबारा से दो डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने सेकंड रो कंप्लीट करनी है। अब यहाँ हमने दो डबल क्रोशिया कर दिए एक ही चैन के अंदर। अब हमें नेक्स्ट चैन में एक करना है, फिर उससे नेक्स्ट चैन के अंदर हम एक करेंगे और जो हमारी थर्ड चैन होगी, थर्ड चैन के अंदर हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ये सेकंड रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। पहले हमने एक के बाद डबल किया था फर्स्ट रो में, सेकंड रो में हम दो के बाद डबल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड रो कंप्लीट कर दी है, दो के बाद हमने डबल किया है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के लिए हमें देखिए फ्रेंड्स, एक दो और तीन, तीन चैन स्टिच बनाएंगे, लूप लेंगे, इसी जगह पर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक ही चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया हो गए। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, एक दो और ये तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले दो के बाद डबल किया था, दो डबल क्रोशिया किए थे, उसके बाद तीसरी चैन के अंदर डबल किया था। अब हमें चौथी चैन के अंदर एक दो और तीन हम एक एक बार करेंगे, चौथी चैन के अंदर हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, इसी जगह पर दोबारा से करेंगे दो डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, चौथी चैन में हमने कर दिया। अब लूप लेंगे, फिर से करेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे, फिर करेंगे दो डबल क्रोशिया, फिर लूप लेनी है, फिर तीसरी चैन के अंदर करना है एक डबल क्रोशिया। तो तीन हो गए। और देखिए मैम, फिर चौथी चैन के अंदर हमें दो डबल क्रोशिया कर देने हैं, एक यहाँ पे और इसी जगह पर दोबारा से एक यहाँ पर। तो अब हम देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर दिया। तीन के बाद हमने डबल किया है, एक दो तीन, तीन के बाद डबल, फिर एक दो तीन, फिर इसके बाद डबल। तो तीन डबल क्रोशिया हमने एक एक डाले हैं, चौथे के अंदर हमने दो डबल क्रोशिया किए हैं। अब इसी तरह से हम फोर्थ रो बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन चैन बनाकर लूप लेंगे, इसी जगह पर दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक ही चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर लूप लेनी है, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर एक बनाना है, फिर लूप लेनी है, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर एक बनाना है, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर एक बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर एक बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चार डबल क्रोशिया एक एक बनाने हैं, क्योंकि हमने थर्ड रो में तीन के बाद डबल किया था, फोर्थ रो में हम चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद पांचवी चैन के अंदर हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, और इसी जगह पर दोबारा से करेंगे दो डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम फोर्थ रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फोर्थ रो कंप्लीट कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल 51 डबल क्रोशिया आ गए हैं फोर्थ रो कंप्लीट होने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो 51 डबल क्रोशिया को तीन से भाग कर देंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा।
तो हमारे पास अब इसमें अब जो हम आगे डिजाइन बनाएंगे वो 17 बार आएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर एक एक कम है या एक ज़्यादा है तो आप उस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेरे टोटल 51 डबल क्रोशे हैं और 51 को हम 3 से भाग करते हैं तो मेरे पास 17 आए हैं, तो 17 डिज़ाइन आएगा। अब देखिए हम थ्री की चैन के अंदर जाएंगे, ये पिंक कलर को पीछे हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट कलर लेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट कलर लिया है, आप कोई सा कलर ले सकते हैं जो आपको कलर पसंद हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इन दोनों के बीच में से इस तरह से निकाल देंगे और पिंक कलर के धागे को पीछे से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये धागा ज्वाइन हो गया। तो हम 1, 2 और 3 तीन चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, इसी जगह पर दोबारा से हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे एक बार, फिर लूप लेनी है, फिर इसी जगह पर दोबारा से करना है 2 बार, फिर लूप लेनी है, फिर इसी जगह पर दोबारा से करना है 3 बार। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ही चैन के अंदर हमने 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया कर दिए हैं, तीन की चैन को भी हमने डबल क्रोशिया काउंट किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 और 5 पांच चैन बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को हम यहाँ छोड़ेंगे और जो हमने स्टार्टिंग में 1, 2, 3 थर्ड चैन बनाई है, स्टार्टिंग में इस चैन में आएंगे, यहाँ पर लूप लेंगे और इसको इसके बीच में से इस तरह से निकालेंगे तो और एक चैन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया। अब इसके अंदर हमें सिंगल स्टिच करने हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और ये 8 बार। तो देखिए 8 हमने इसमें सिंगल स्टिच कर दें, तो इस तरह से हमारी एक कली बन गई है। अब हम लूप लेंगे नीचे से, देखिए फ्रेंड्स 1 और 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे 1 बार, इसी जगह पर दोबारा से करेंगे 2 बार, फिर लूप लेंगे, फिर से करेंगे 3 बार और फिर लूप लेनी है, फिर से करना है 4 बार। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4 और 5 हमने 5 चैन स्टिच बना ली हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया किया इसके अंदर आएंगे, ये 5 चैन वाली लूप है, ये देखिए 5 चैन वाली लूप है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से वही 8 सिंगल स्टिच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो देखिए 8 हमने कर दिए। फिर हम लूप लेंगे, फिर नीचे से 1 और 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी चैन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए 3 चैन की हेल्प से हमने ये 2 कलियां बना ली हैं। इसी तरह से हम ये सारा पैटर्न तैयार कर लेते हैं। ये रो व्हाइट वाली आई फ्रेंड्स, मैं आपको तैयार करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था। इस तरह से हमारे पास ये 17 आए हैं कलियां। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चोली का बॉर्डर भी कर दिया। चोली का बॉर्डर मैंने चोली की जहां पर वीडियो बनाना बताया है उसी वीडियो में मैंने बॉर्डर करना भी बताया। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनकर रेडी है। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी ही प्यारी लग रही है और बनाना भी काफी ईजी है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।